भारत के सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी SEPC के मुताबिक अब भारत अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। ऐसे में 2022-23 में देश का सर्विस एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर के पार निकल जाने की उम्मीद है। इसके बाद भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर के पार ले जाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस टारगेट को हासिल करने की उम्मीद इसलिए है कि SEPC ने विदेश व्यापार नीति में समर्थन के जो तरीके आजमाए हैं, उनसे इस निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही वैश्विक अवसरों को भुनाने के मौके देखे जा रहे हैं, जिससे 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का सर्विस निर्यात लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। SEPC ने सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए IT, ITES, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया है। इन सेक्टर्स के चुनाव की वजह इनका मौजूद बेहतरीन प्रदर्शन है, जिसके दम पर इस साल सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर को पार कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान सेवा क्षेत्र के निर्यात की अनुमानित वैल्यू 272 अरब डॉलर रही है। ये 2021-22 के पहले 10 महीनों के 206.28 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है। 2021-22 में ही सर्विस सेक्टर के निर्यात का अब तक का उच्चतम आंकड़ा 254 अरब डॉलर हासिल हुआ था। अगर अलग सेक्टर का सर्विस सेक्टर के कुल निर्यात में योगदान देखें तो आंकड़ों के मुताबिक IT और ITES का इसमें 40-45% योगदान रहता है। इसके बाद यात्रा और पर्यटन, शिक्षा और बैंकिंग समेत वित्तीय सेवाओं का नंबर आता है। भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विकसित देशों की रहती है। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेवा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।